हेलो एवरीवन दिस इज निधि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट लॉ जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया में न्यू लेबर कोर्स इंप्लीमेंट होने वाले हैं जिसके लिए लोकसभा राज्यसभा एज वेल एज ऑनरेबल प्रेसिडेंट से अप्रूवल मिल चुकी है जब न्यू लेबर कोर्स इंडिया में इंप्लीमेंट हो जाएंगे तो उसकी वजह से एग्जिस्टिंग ट्वेंटी लेबर लॉस रिपील हो जाएंगे ठीक है ये ट्वेंटी एग्जिस्टिंग लेबर लॉस को रिप्लेस करते हुए न्यू लेबर कोड्स इंडिया में एप्लीकेबल हो जाएंगे तो इसी सिलसिले में आज हम बात करते हैं कोड ऑन वेजेस 2019 के ऊपर इस आ, सीरीज में मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूं जिसके ऊपर मैंने बात की है कि कौन से न्यू चार लेबर कोड्स हमारे इंडिया में इंप्लीमेंट होने वाले हैं कोड ऑन वेजेस 2019 कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 ट्वेंटी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग Conditions कोड 2020 and एंड फोर्थ वन विल बी इंडस्ट्रियल Code कोड ट्वेंटी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जाकर देख सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी तो आज हम बात करते हैं कोड ऑन वेजेस 2019 के बारे में कुछ एसेंशियल फीचर्स इस कोड के बारे में हम आज जल्दी से समझते हैं ठीक है सबसे पहला तो ये है कि ये जो कोड ऑन वेजेस 2019 है ये फोर एग्जिस्टिंग लेबर लॉस को रिप्लेस करने वाला है ठीक है टोटलिटी में अगर हम बात करें तो जो न्यू लेबर कोड आने वाला है वो 29 लेबर लॉस को रिप्लेस करने वाला है जिसमें से ये जो कोड ऑन वेजेस है 2019 बेसिकली ये चार एग्जिस्टिंग लेबर रेगुलेशन को रिप्लेस कर देगा जो कि है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट मिनिमम वेजेस एक्ट इक्वल रेमुनरेशन एक्ट एंड पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट तो ये चारों एक्ट क्या हो जाएंगी? रिपील हो जाएंगी जाएंगी रिपील चारों एक्ट हट जाएंगी और इनकी जगह एक यूनिफॉर्म कोड जो है कोड ऑन वेजेस 2019 एप्लीकेबल हो जाएगा मतलब हमें ये चारों एक्ट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं रहेगी हमें केवल एक ही कोड पढ़ना होगा जो कि रहेगा कोड ऑन वेजेस ट्वेंटी अब चलिए जानते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में ठीक है सबसे पहला तो यह है कि जो कोड ऑन वेजेस ट्वेंटी है इसका बेनिफिट ऑलमोस्ट 50 करोड़ वर्कर्स को होने वाला है ठीक है जो कि सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर को बिलोंग नहीं करते हैं बल्कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी बिलोंग करते हैं ठीक uh, है ऑलमोस्ट थर्टी टू फोर्टी करोड़ वर्कर्स जो हैं वो हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं जिनको प्रीवियसली कोई बेनिफिट्स नहीं मिलते थे इसीलिए ये जो लेबर कोड्स इंप्लीमेंट होने वाले हैं इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं उन्हें भी इसका प्रिविलेज मिले ठीक है तो कोड ऑन वेजेस 2019 विल गिव अ राइट टू टू मिनिमम वेजेस 50 करोड़ वर्कर्स कवरिंग बोथ Well क्टर से वो वेजेस होती है जो मिनिमम हर वर्कर को गारंटीड मिलेगी ही मिलेगी तो इसके लिए गवर्नमेंट ने इस कोर्ड में ये रेगुलेशन डाल दिया है कि एवरी फाइव ईयर्स जो मिनिमम वेजेस है उनका रिव्यू किया जाएगा कितनी वेजेस पे होनी चाहिए, कितने वर्किंग आवर्स होने चाहिए ओवर एंड अब वर्किंग आवर्स अगर कोई वर्कर काम कर रहा है तो कितना ओवर टाइम उसे मिलना चाहिए ये सब कुछ पहले से ही प्री डिसाइडेड रहेगा ओवर टाइम यूजली वुड बी ट्वाइस द वेज रेट ओके तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि इक्वल रेमुनरेशन मिलेगा मेल एंड फीमेल वर्कर्स को ठीक है तो देर विल बी नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इसके पहले जो एक्ट हुआ करता था वो था इक्वल रेमुनरेशन एक्ट ठीक है उसे रिपील करके कोड ऑन वेजेस में ही क्लब कर दिया गया है तो चाहे वो मेल वर्कर हो या फीमेल वर्कर हो सभी को इक्वल रेमुनरेशन दिया जाएगा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर Another important characteristic feature would be guarantee of timely payment of wages to all the workers. ठीक है, पहले payment of wages में बहुत delay हुआ करता था. There was no fixed time period कि कब wages pay की जाएंगी. लेकिन अब इस code की वजह से क्या होगा? Uniform timely payment, uniformly सभी establishments को wages pay करनी होगी. Also, इस code के under में जितनी भी refineries है माइन्स हैं रेलवेज हैं ये सारे जितने भी सेक्टर्स uh, हैं इसके अंदर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी लेकिन बाकी जितने भी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनके लिए रेगुलेशंस जो बनाए जाएंगे वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी अनदर इंपोर्टेंट फीचर है प्रोविजन ऑफ फ्लोर वेज हैज़ बीन इंट्रोड्यूस टू रिमूव रीजनल डिस्पैरिटी फ्लोर वेज का मतलब होता है एक मिनिमम वेज रेट ठीक है तो ये जो मिनिमम वेज रेट होगा ये डिपेंड करेगा ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड द पर्सन की स्किल के ऊपर ठीक है तो डिपेंडिंग ऑन द वर्कर स्किल एंड ज्योग्राफिकल एरिया जो फ्लोर वेज है वो डिसाइड किया जाएगा क्योंकि क्या होता है कि ज्योग्राफिकल एरिया के ऊपर पर्सन टू पर्सन जो काम कर रहे हैं जो वर्कर्स या जो स्टेब्लिशमेंट्स हैं तो अलग अलग जगहों पर डिपेंडिंग ऑन द एरिया वेजेस भी चेंज हो जाती है ठीक है डिपेंडिंग ऑन द इन्फ्लेशन रेट डिपेंडिंग ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होता है वेज रेट चेंज हो सकती है इसीलिए जो फ्लोर वेजेस रहेंगी जो फ्लोर वेज रेट रहेगा वो डिपेंड करेगा द uh, पर्सन की जो स्किल है उस पे, as well as geographical area पर एज वेल एज जोग्रोफिकल एरिया पर इससे क्या होगा जितनी भी रीजनल डिस्पैरिटीज हैं वो रिमूव हो जाएंगी तो ये थे कुछ बेसिक एसेंशियल फीचर्स ऑन कोड ऑफ वेजेस 2019 आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो ऑन द न्यू लेबर कोड वेरी सून टिल देन हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर